नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने शो एंजल्स टॉक शो में। दोस्तों, आज की पाइथन ट्यूटोरियल में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि पाइथन आज के टाइम में क्यों इतनी मोस्ट डिमांडेड लैंग्वेज है और क्यों प्रोग्रामर्स की आज पाइथन लैंग्वेज फर्स्ट चॉइस बनी हुई है। आपको पाइथन की पावर के बारे में बताएंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपको पाइथन क्यों शुरू करनी चाहिए, क्यों यूज करनी चाहिए। दोस्तों, अपनी वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आइए दोस्तों, अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में हम आपको पावर ऑफ पाइथन के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि आप पाइथन से क्या क्या कर सकते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्यों इसको मोस्ट डिमांडेड लैंग्वेज कहा जाता है। दोस्तों, पाइथन का यूज हर फील्ड में, हर तरीके की सर्विसेज में किया जाता है। पाइथन की हेल्प से वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, पाइथन डिजंगो की हेल्प से वेब प्रोजेक्ट्स, वेबसाइट्स को डेवलप आप कर सकते हैं। पाइथन का यूज गेम डेवलपमेंट में भी किया जाता है, इसके पाई गेम का यूज आप कर सकते हैं गेम्स को डेवलप करने के लिए। पाइथन की हेल्प से बिग डेटा, एआई, डेटा साइंस, मशीन लैंग्वेज, मशीन लर्निंग, स्मार्ट डिवाइसेस, आईओटी पर काम किया जाता है। पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है, इसलिए पाइथन को बिग डेटा, एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आईओटी के साथ में बहुत यूज करते हैं, इसका इजीली प्रोग्राम बनाया जा सकता है। दोस्तों, पाइथन वेब टेस्टिंग में भी यूजफुल है, वेब टेस्टिंग भी पाइथन के थ्रू की जा सकती है। दोस्तों, इस स्लाइड में अब हम आपको बताएंगे कि आपको पाइथन क्यों यूज करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले पाइथन एडवांस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जिसे आपको जरूर सीखना चाहिए। पाइथन मॉडर्न टाइम की लैंग्वेज है, जिसकी काफी डिमांड है। पाइथन इजी टू यूज, इजी टू लर्न है, इसलिए भी ये लैंग्वेज आपको जरूर सीखनी चाहिए। दोस्तों, पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका कंपैरिजन हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया हुआ है। एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने यहाँ पर बनाया है, जिसका आउटपुट हेलो फ्रेंड्स ये आपको शो करना है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम C++, जावा और पाइथन में डेवलप किया जाता है। हम दोस्तों यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि C++ या जावा में इस सिंपल से प्रोग्राम को टाइप करने के लिए आपको एटलीस्ट 4 to 5 लाइंस ऑफ कोडिंग्स का यूज करना पड़ता है और इसके अलावा कई सारी हेडर फाइल्स का यूज करते हैं, कई सारे प्री डिटरमाइंड फंक्शंस का यूज करते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज किया जाता है, कई सारी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज होता है। जबकि पाइथन में हम इस सिंपल से प्रोग्राम को सिंपल सी एक लाइन की कोडिंग में ही लिखकर हम अपने इस आउटपुट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए पाइथन को एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। अब हम आपको पाइथन के और भी कई फीचर्स के बारे में बताते हैं। पाइथन एक इजी टू लर्न लैंग्वेज है, इसको बहुत ही इजीली सीखा जा सकता है। इजी टू रीड, इसको बहुत ही इजीली पढ़ा जा सकता है। इजी टू मेंटेन, अगर आप कोई पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको बहुत ही इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ये पोर्टेबल लैंग्वेज है, पाइथन की हेल्प से GUI प्रोग्रामिंग की जा सकती है। पाइथन की हेल्प से डेटाबेस भी क्रिएट किया जा सकता है, डेटाबेस का भी यूज किया जा सकता है। और पाइथन एक इंटरेक्टिव मोड प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि आप एज ए बिगनर भी प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं और पाइथन में अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि पाइथन को क्यों पावरफुल लैंग्वेज बोला जाता है, इसका क्या क्या यूज है, कहां कहां पर इसको हम यूज कर सकते हैं, और साथ के साथ आपको ये भी बताया कि आपको पाइथन क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि पाइथन एक बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका कंपैरिजन C++ और जावा के साथ में, जो कि ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं, उनके साथ में भी हमने आपको करके दिखाया हुआ है और आपने देखा कि किस तरीके से पाइथन C++ और जावा से इजी और सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी हेल्प से हम बहुत ही इजीली प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको आज की वीडियो में प्रोवाइड करवाए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से ये सारी डिटेल आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे।
मिलते हैं अगली वीडियो में और पाइथन के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।